बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन समोसा। तो मैंने 300 ग्राम चिकन ले ली हूँ बोनलेस, उसको ऐसा क्यूब में कट कर ली हूँ छोटे टुकड़ों में। इसे मैं पहले मैरिनेशन करूँगी। तो नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। दही ऐड करूँगी मैं, 2 चम्मच की जितना दही ऐड कर दूंगी मैं, छोटे चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच और तंदूरी मसाला ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच। लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, इतना छोटा चम्मच है ये। और चाट मसाला ऐड करूंगी मैं 1 छोटा चम्मच, इतना चाट मसाला। और फूड कलर ऐड करूंगी मैं 2 पिंच इतना। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला के मैरिनेशन करके रख दूंगी, आधे से 1 घंटे के जितना मैं मैरिनेशन रखूंगी। जितना देर मैरिनेशन हम रखेंगे उतना ही चिकन में टेस्ट आता है। तो हम मैरिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिनेशन करके रखें, आप फौरन भी बना ले सकते। तो मैं आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, उसके बाद हम आगे बनाएंगे इसको। चिकन हमारा मैरिनेशन हो रहा है, जब तक हम बटर चिकन की ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो हम एक पैन ली हूँ, इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। उसमें 1 प्याज ऐड कर दूंगी मीडियम साइज का। इसी में मैं 1 टमाटर ऐड कर दूंगी, बड़ा एक टमाटर है बड़ी साइज का। अगर आपके पास छोटा है तो 2 मीडियम साइज का टमाटर ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच। फास्ट फ्लेम पे हम 1 मिनट तक सारी चीजों को फ्राई करेंगे। अभी इसमें मैं काजू ऐड करूंगी, 10 से 12 काजू है। नमक ऐड कर देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/3 हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच इतना पानी ऐड करूंगी और गैस की फ्लेम स्लो करके टमाटर और प्याज को हम अच्छे से गला लेंगे। चलिए अभी हम इसे गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे। एक कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच बटर ऐड करूंगी। और 1 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हम मैरिनेशन करके रखे हैं। गैस की फ्लेम को हम फास्ट रखेंगे। और फास्ट फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। फास्ट फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट पका ली हूँ। अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड करके 4 से 5 चम्मच जितना हमें पानी ऐड करना है चिकन को गलाने के लिए।
उसे ढक के चिकन गलने तक हम स्लो आंच पे पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में पकाऊंगी, उसके बाद हम चेक करेंगे। चलिए अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन हमारे गल चुकी है, अभी हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। चिकन को अच्छे से हम फ्राई भी भूनते भी जाएंगे और चिकन को इस तरह से हम तोड़ देंगे, रेशे कर लेंगे इसके इस तरह से। चिकन को अच्छे से मैंने रेशे कर ली हूँ और अच्छे से मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें हम जो बटर चिकन की ग्रेवी हमने तैयार करे थे वो ऐड करेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें समोसे की फिलिंग के जैसा रेडी करना है। अभी इसमें हम टमाटर केचप ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना। कसूरी मेथी ऐड करूंगी मैं, 1/2 चम्मच बटर ऐड कर देंगे। और फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जितना। बटर चिकन है तो फ्रेश क्रीम टेस्ट अच्छा आता है इससे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ मिक्स करना है अच्छे से। फास्ट फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इतना ही हमें रखना है थिक, इससे ज्यादा पतला नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर ली मैंने, अभी गैस की फ्लेम बंद करूंगी और इसे ठंडा होने देंगे हम। हमारे समोसे की फिलिंग ठंडी हो चुकी है, बटर चिकन समोसा फिलिंग। मैंने पट्टी ले ली हूँ, मैंने रेडीमेड ली हूँ। अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो मेरा चैनल पे है इसकी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ले जाके देख के बना ले सकते। तो इसमें मैं इस तरह से भर लूँगी। अच्छे से पैक कर लेंगे हम। मैंने नई बना ली हूँ मैदे की, चिपकाने के लिए इस तरह से हम चिपका लेंगे। इस तरह से हम समोसे भर लेंगे सारे, इस तरह से ही सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग ज़रूर बनाना एक बार रेसिपी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी। समोसे मैंने रेडी कर ली हूँ, अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ और हम समोसे फ्राई कर लेंगे। जितना कढ़ाई में आएंगे हम उस हिसाब से सारे समोसे हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से मैं सारे समोसे फ्राई कर लूंगी। तैयार है हमारे बटर चिकन समोसा। कैसी लगी रेसिपी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।